बोल सकते हो हमारी ट्रेन का चैन पुलिंग हो चुका है, चैन पुलिंग। तो वही ना, वो सोया था प्लेटफॉर्म पे, आरपीएफ ने उसको उठाया डंडा मार के, पी के था वो, आया यहाँ वॉशरूम करने, मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद वॉशरूम करके वो मतलब लग रहा है जब अंदर में था ट्रेन चल दी, इसलिए उतरने के लिए ट्रेन की चैन खींच दिया उसने। वो पी के है, वो पूरा पी के है, एकदम कुल्ले पी के। सामने देखो भाई, ऑटो बस सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, ट्रेन हमारी आउटर पे खड़ी हुई है रीवा रेलवे स्टेशन के, ट्रेन खड़ी है तो यहीं से पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। सामने देखो बस ऑटो सब दौड़ दौड़ के आ गए, सब ए टू जेड, देख रहे हो। ओ भाई, ये तो भाई पहली बार नज़ारा ऐसा देख रहा हूँ किसी भी रेलवे स्टेशन के आउटर पे, देख रहे हो। अरे भाई, ओ भाई, बस ऑटो सब आ गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 18247 बिलासपुर से रीवा के बीच में चलने वाली, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में, जो रोजाना शाम 7:20 पे बिलासपुर रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 5:55 पे रीवा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुँचा देती है। टोटल डिस्टेंस हम इस ट्रेन से कवर करने वाले हैं 467 किलोमीटर का, 15 हॉल्ट के साथ 10:35 में। तो भाई बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आपको टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, जिसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7, 8 और 9 जो है वो एक टर्मिनस प्लेटफॉर्म है। टर्मिनस प्लेटफॉर्म का मतलब इसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती, आप देख सकते हो सामने बैरियर लगा हुआ है, और ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बगल में मिलेगा आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1, उसके बाद है 2, 3, 4, 5। तो भाई अब हम आ चुके हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, हमारी बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ही निकलती है, और ये हमारी बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे रिवर्स लगाई जा रही है। ये सामने रहा भाई हमारा कोच S3, स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं हम, सीट है हमारा 43 अपर बर्थ, और ये आ रही है भाई हमारी बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस का लोकोमोटिव जो कि वैग 9 है। तुगलकाबाद का वैग 9 है भाई। आप सभी को बता दूं भाई, WAG खिटोगिर के जितनी भी लोकोमोटिव है हमारे भारतीय रेलवे की, वो सारी की सारी गुड्स ट्रेन की लोकोमोटिव है, मतलब मालगाड़ी चलाने के लिए बनाई गई है, और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भाई मैं किसी मालगाड़ी के इंजन के साथ एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करने जा रहा हूँ, और ये हमारी लोकोमोटिव लगने जा रही है हमारी बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में। सकते हो हमारी ट्रेन का चैन पुलिंग हो चुका है, चैन पुलिंग। खींचा इसी में से, इसी में से खींचा। तो वही ना, वो सोया था प्लेटफॉर्म पे, आरपीएफ ने उसको उठाया डंडा मार के, पी के था वो, आया यहाँ वॉशरूम करने, मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद वॉशरूम करके वो मतलब लग रहा है जब अंदर में था ट्रेन चल दी, इसलिए उतरने के लिए ट्रेन की चैन खींच दिया उसने।
वो पी के, वो पूरा पी के एकदम कुल्हे पी के। वॉशरूम का कंडीशन कुछ ऐसा है भाई, सामने आप देख सकते हो मिरर लगा हुआ है, लेकिन ये मिरर बहुत ही गंदा है, मतलब इतना हेज है कि सामने कुछ दिख भी नहीं रहा है। पीछे वाश बेसन बहुत ही क्लियर है, पानी वगैरह सब आ रहा है, यहाँ पर साबुन वगैरह रखने की जगह है और एक डस्टबिन भी दिया हुआ है नीचे। ऑल ओवर वॉशरूम का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। तो भाई टोटल 8 किलोमीटर की दूरी तय करके और निर्धारित समय से 15 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन के पहले हॉल्ट उसलापुर रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है USL। स्टेशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो भाई 3 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन में ये रेलवे स्टेशन आता है और इसका डिवीजन बिलासपुर ही है और ये भाई बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और भाई अगर आपको बताऊं हमारे बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस के कोचेस के बारे में तो भाई हमारी बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ 14 कोचेस के साथ चलती है, जिसमें से भाई 4 सिर्फ आपको स्लीपर क्लास कोचेस मिलेंगे, 2 थर्ड एसी मिलेगा, 6 जनरल कंपार्टमेंट है, 3 आगे की तरफ, 3 पीछे की तरफ और 2 पार्सल वैन है। और लोकोमोटिव की जैसा कि मैंने आपको बताया तुगलकाबाद का वैग 9 लगा हुआ है हमारे ट्रेन में और भाई पूरे इंटायर जर्नी में हमारा लोकोमोटिव यही वैग 9 रहने वाला है, ना ही कहीं पर हमारी ट्रेन का रेक रिवर्स होगा, ना ही हमारी लोकोमोटिव चेंज होने वाली है पूरे इंटायर जर्नी में। भाई एक अनऑफिशियल हॉल्ट जैथाड़ी रेलवे स्टेशन पे, अन्नूपुर रेलवे स्टेशन यहाँ से और 14 किलोमीटर दूर है। और एक बात भाई, आपको हमारे इस बिलासपुर रिवर एक्सप्रेस में पेंट्री कार कोच की फैसिलिटी नहीं मिलेगी और ना ही आपको साइड पेंट्री की सुविधा मिलेगी। जो भी आपको खाना पीना मिलेगा वो लोकल वेंडर्स के द्वारा ही मिलेगा, नहीं तो कहीं पर भी अगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अगर रुकती है तो आप वहाँ से लेके खाना पीना खा सकते हो। वैसे भाई पेंट्री कार देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भाई शाम 7:20 पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन अगर निकल रही है तो ज़्यादातर पैसेंजर सब खाना अरेंज करके ही चलेंगे, और अगर जो नहीं भी करते तो भाई उन्हें पेंडर रोड रेलवे स्टेशन या फिर अन्नूपुर रेलवे स्टेशन में खाना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और सुबह 6 बजे ट्रेन हमारी रीवा रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगी, तो नाश्ते वगैरह का भी कोई झमेला नहीं है, तो इसीलिए पेंट्री कार्ड देने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। सिग्नल हो चुका है भाई, सामने आपको ग्रीन दिख रहा होगा और ऐसा है कुछ स्टेशन का नज़ारा जैथाड़ी रेलवे स्टेशन का, बिल्कुल सुनसान है स्टेशन पर, आपको घास वगैरह मिलेगी अभी तक, मतलब पूरा स्टेशन पक्का भी नहीं किया हुआ है, देख सकते हो आप। वो ड्राइवर ने सिग्नल मार दिया और ट्रेन भी हमारी चल चुकी है। तो भाई मिलते हैं आपसे अन्नूपुर रेलवे स्टेशन पे। आज की है
तो भाई टोटल 152 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके और निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी के साथ हम आ चुके हैं अपने ट्रेन के चौथे हॉल्ट अनूपपुर रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन कोड APR। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन के बारे में अगर आपको बताएं तो भाई 4 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन में ये रेलवे स्टेशन भी आता है और इसका डिवीजन भी बिलासपुरी है। और इसके बाद भाई हम आपको दिखाएंगे अनूपपुर रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर, आपसे मिलेंगे डायरेक्ट कल सुबह 5 बजे का हमने अलार्म लगा लिया है। 6 बजे हमारी ट्रेन पहुँचने का टाइम है रीवा रेलवे स्टेशन पर। देखते हैं जब सुबह नींद खुलती है तो हम कहाँ पहुँचे हुए रहते हैं। जो भी जानकारी थी भाई इस ट्रेन के बारे में वो सारी की सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। इससे ज़्यादा कुछ भी इस ट्रेन के बारे में बताने लायक है नहीं, तो फालतू में वीडियो लंबा करके कोई मतलब है नहीं। हाँ, बस एक चीज़ बाकी है कि भाई ट्रेन में भीड़ होती है या नहीं, वो हम आपको कल सुबह रीवा रेलवे स्टेशन पहुँच के बताएंगे। देखते हैं सारी रात में फिर सुबह में क्या कंडीशन रहने वाली है हमारी ट्रेन का। हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, चलते हैं ट्रेन के अंदर, वरना ट्रेन हमारी छूट जाएगी। बाकी की जानकारी हम आपको ट्रेन के अंदर चढ़ के देते हैं। Next morning. भाई हमने अपने ट्रेन का लास्ट हॉल्ट क्रॉस कर लिया है सतना रेलवे स्टेशन। और भाई मैं आपको ट्रेन की क्लीनिंग का कंडीशन दिखाना चाहता हूँ कि कैसा ट्रेन का क्लीनिंग का कंडीशन है। जैसे हम बिलासपुर से निकले थे तो बिल्कुल टू कॉपी ट्रेन हमारी वैसी है, बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। सामने मिरर देख सकते हो कितना अच्छा क्लीन है मिरर। नीचे फ्लोर का कंडीशन देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जैसे लग रही है ट्रेन अभी अभी भाई कार सेट से निकल के आई है, देख रहे हो बिल्कुल क्लीन ट्रेन है। और ऐसे कुछ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई कि एक ही चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, बोतल वोटल सामने है भाई। और ये थी हमारी सीट 43 अपर बर्थ, ये रहा हमारा लगेज। तो चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में, हम पहुंचने वाले हैं रीवा रेलवे स्टेशन, वहां पहुंच के वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो भाई हमारे डेस्टिनेशन से 29 किलोमीटर पहले हमारे ट्रेन का एक और अनऑफिशियल हॉल्ट, स्टेशन का नाम काफ़ी डेंजरस है भाई, हिनौता रामबान कुछ करके है। और यहाँ से रीवा रेलवे स्टेशन और 29 किलोमीटर दूरी रह जाता है। और आपको एक बात बता दूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको बिलासपुर से रीवा के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन इसके सिवा कोई दूसरी ट्रेन आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको बिलासपुर से रीवा डायरेक्ट जाना है तो यही एक ट्रेन मात्र चलती है बिलासपुर से रीवा के लिए। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है भाई कि आप बिलासपुर से अनूपपुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो, जो कि बिलासपुर से 152 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आपको सिर्फ एक ही ट्रेन और मिलेगी रीवा के लिए। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि भाई आप बिलासपुर से कटनी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। कटनी, बिलासपुर से कटनी के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती है और कटनी से आपको रीवा के लिए बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी। तो अगर आपको डायरेक्ट बिलासपुर से रीवा आना पड़ेगा तो इसके सिवा आपको दूसरी कोई ट्रेन नहीं मिलने वाली। अगर आप इमरजेंसी में आना चाहते हैं, जैसे आपकी अगर ट्रेन छूट गई तो आपके पास दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोनों है, मैंने आपको बता दिया। तो भाई बिना नंबर प्लेट की ट्रेन है। अच्छा भाई ये अंबिकापुर जबलपुर रीवा एक्सप्रेस है। फाइनली भाई तकरीबन 15 से 20 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है हमारे अनऑफिशियल हॉल्ट से।
सामने देखो भाई ऑटो बस सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। ट्रेन हमारी आउटर पे खड़ी हुई है रीवा रेलवे स्टेशन के, ट्रेन खड़ी है तो यहीं से पैसेंजर को पिकअप करने के लिए सामने देखो बस ऑटो सब दौड़ दौड़ के आ गए सब ए टू जेड देख रहे हो। ओ भाई ये तो भाई पहली बार नज़ारा ऐसा देख रहा हूँ किसी भी रेलवे स्टेशन के आउटर पे, देख रहे हो देख रहे हो। अरे भाई ओ भाई बस ऑटो सब आ गई और आती ही जा रही है वहाँ दूर से देखिए और आती ही जा रही है। कुछ देर में यहाँ का नज़ारा बदल गया, दो चार ऑटो खड़ी थी भी कितने सारे हो गए लाइन से। ये देखिए पैसेंजर्स उतर के भाई ऑटो पकड़ने भी लगे हैं, देख रहे हैं ये यहीं पर उतर के वो बैठा रहे हैं भाई लोगों को। भैया देखो देखो भैया ये नज़ारा तो भाई पहली बार कहीं पर भी आपने देखा होगा, देख रहे हो यहीं से सब उतर जा रहे हैं। हमारी ट्रेन इसके आगे और जाएगी नहीं क्या, एक और बस आ गई देखो। और ये भाई ट्रेन हमारी निकल चुकी देख रहे हो, ट्रेन जैसे गई वैसे वैसे बस वगैरह भी सब वापस जाने लगे देखो, हो गया सारे के सारे सब वापस जाने लगे देखो सब के सब रिटर्न। समझ गए भाई इससे ज़्यादा पैसेंजर यहाँ पर उतरने वाले हैं नहीं, देख रहे हो क्या सीन था भाई। अब वो देखो सामने लाइन से सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं भाई मेन स्टेशन की तरफ, वही वही बस वही ऑटो वाले सब के सब देख रहे हो सामने। तो भैया निर्धारित समय से 3 घंटा 5 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके अपने फाइनल डेस्टिनेशन रीवा रेलवे स्टेशन पे। लेट की हुई भाई हमने आपको पहले ही बता दिया कटनी रेलवे स्टेशन पे, आते आते ही ट्रेन हमारी 2-3 घंटा जो भी लेट हुई थी वहीं पर लेट हो चुकी थी। और अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करो तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का काफ़ी अच्छा है, हर एक मामले में ट्रेन बहुत ही अच्छी है। इस ट्रेन में आपको ज़रा से भी भीड़ देखने के लिए नहीं मिलेगी पूरी इंटायर जर्नी में। और भाई मैहर सतना पहुँचते पहुँचते तो ट्रेन 80 से 90% ऑलमोस्ट खाली हो जाती है। और रही बात क्लीनिंग की भाई तो ट्रेन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो भाई बस यही था आज का हमारा वीडियो, करते हैं वीडियो आज का यहीं पर ख़त्म। आप सभी हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नए सफर में, टिल देन गुड बाय टेक केयर टाटा।